अभिप्राय। हरे कृष्ण। जैसे नितिन प्रभु ने कहा, कल एकादशी तिथि है, भक्तों बहुत सौभाग्य है कि कल एकादशी है और आज हमें कुछ एकादशी के विषय में जानने मिल रहा है। भागवत में और अनेकों ग्रंथों में भगवान की प्राप्ति करने के लिए तपस्या और उपवास का विधि विधान बताया गया है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ तिथि यदि कोई है तो वह है एकादशी तिथि। ऐसे बहुत सारी तिथि और बहुत सारे वार होते हैं, सभी वार और सभी तिथियों में एकादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ तिथि, क्योंकि पुराणों में कथा आती है कि एकादशी ने ऐसा कार्य किया जो भगवान ने नहीं किया। वो कथा हम कल आपको विस्तार से बताएंगे, परंतु एकादशी तिथि को भगवान ने वरदान दिया कि जो व्यक्ति एकादशी तिथि का पालन करता है उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए एकादशी तिथि का पालन करना चाहिए और एकादशी तिथि के विषय में समस्त पुराणों में बताया गया है। भक्तों हमें वो कार्य हमारे जीवन में करने चाहिए जो शास्त्र में लिखे हैं, है ना। कुछ लोग अलग अलग प्रकार के वार रहते हैं, किसी को पूछिए आप फलाना वार क्यों रहते हो, अरे वो रहती है ना इसलिए मैं रहती हूं। अब उसको पूछो तो वो कहेगी वो रहती थी इसलिए मैं रहने लगी, वो रहती थी इसलिए, इसका कोई अंत नहीं आएगा। लेकिन किसी के मन में किसी की बुद्धि में क्या हो रहा है ये नहीं, शास्त्र में क्या लिखा है ये चीज महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्र की बात को हमारे जीवन में उतारना चाहिए। तो भक्तों शास्त्र के अनेकों प्रमाण और अनेकों शास्त्रों में ऐसा लिखा है, एकादशी व्रत का पालन करने से हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, सारी इच्छा पूर्ण होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है, एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए, निर्जला रहकर, निर्जला न रह सको तो सजला रहकर, सजला न रहो तो सफला, और सफला न रहो तो कोई बात नहीं, अन्न नहीं खाना चाहिए, फराल रहकर एकादशी करनी चाहिए। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण 18 पुराणों में से एक, मैं प्रमाण दे रहा हूं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, श्लोक लिखा है, स केवलम अघम भुंगते यो भुक्ते हरिवासरे। हरिवासर का अर्थ है एकादशी। एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न खाता है वह अन्न नहीं वह पाप खाता है, वह पाप खाने के बराबर है। शास्त्र है, आप कभी ब्रह्म वैवर्त पुराण खोलकर देखिए, ये हमारे मन और हमारे बुद्धि की बात नहीं है, ये शास्त्र की बात है। यदि समझ में आ गया तो जीवन का उद्धार, और नहीं समझ में आया तो जैसे थे वैसे। स्कंद पुराण में तो यहां तक लिखा है भक्तों, मातृहा पितृहा भ्रातृहा गुरुहा, अपनी मां अपने पिता अपने भाई और अपने गुरु, ये चारों को मारकर जितना पाप लगता है उतना ही पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से लगता है। क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में आसुरी शक्ति का वास होता है, मूर नाम के असुर का वास, हम आपको कल सुनाएंगे। अतः एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। कई बार हम लोग गर्व करते हैं, वी आर वेजिटेरियन, हम लोग शाकाहारी हैं, और ये लोग कितने दुष्ट हैं जो गाय को मारते हैं गाय को काटते हैं। भक्तों गरुड़ पुराण में वेदव्यास मुनि लिखते हैं, गरुड़ पुराण भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को सुनाया, ये प्रमाण दे रहा हूं, गरुड़ पुराण में लिखा है,
एकादशी के दिन यदि कोई अन्न खाता है तो उसे कितना पाप लगता है? गाय का मांस खाने पर जितना पाप लगता है उतना ही पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से लगता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, आप कहोगे गरुड़ पुराण तो हमने पढ़ा, पढ़ाने वाले ने हमको नहीं बताया, पढ़ाने वाला एकादशी नहीं रहता इसलिए नहीं बताता है। यहां तो हम स्वयं रहते हैं, आचरण करते हैं और फिर बोलते हैं, ये शास्त्र में लिखा है।